एक पर चला लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग और गरीब नवाज से मोहब्बत करने वाले जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं, आप सब लोगों को जुम्मा मुबारक हो। आज जुम्मा का दिन है और सुबह के अभी 9:30 हो रहे हैं और तारीख है आज 8 मार्च का। और देखिए, मैं सुबह सुबह आ चुकी हूँ आप लोगों को ज़्यारत कराने के लिए। ये बुलंद दरवाज़ा है, मैं भी निज़ाम गेट से अंदर की तरफ आई हूँ और ये बुलंद दरवाज़ा है और यहाँ से बिल्कुल सामने आपको गुंबद शरीफ का नज़ारा दिखता है। तो देख सकते हैं आप लोग जुम्मे के दिन, देखिए बाहर में कितनी चहल पहल है। अभी अंदर चल करके पूरा मंज़र दिखा दूँ। अभी जो है दरगाह शरीफ के अंदर मैं आ चुकी हूँ और अभी मैं खड़ी हूँ यहाँ पर ऊपर। यहाँ से 2 नंबर गेट का और 3 नंबर गेट का और 1 नंबर गेट का भी पूरा मंजर दिखता है। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से जारीन हजरात की चहल पहल जो है पूरी दिख रही है और आप लोगों को फूल और चादर सरों पर रखे हुए जारीन हजरात नज़र आ रहे होंगे। और सामने जो है बिल्कुल गुंबद शरीफ का नज़ारा यहाँ से बहुत ही खूबसूरत लगता है। और आप लोग जो है ब्लॉग को मेरे बिल्कुल भी इन मत कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी आप लोगों को ज़्यारत भी कराती रहूँगी और आप लोगों को हर जगह के बारे में भी बताती रहूँगी। और आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे के दिन का जो मंजर होता है ना, ऐसे भी गरीब नवाज की दरगाह शरीफ में बहुत ही खूबसूरत होता है। आप लोग जो है जुम्मे के दिन की सुबह सुबह की ज़्यारत कीजिए मेरे साथ में। और देखिए यहाँ पर जो है ना बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत लंबी नहीं है लेकिन यहीं से लाइन लगी हुई है। 1 नंबर गेट मेन दरवाज़ा है गरीब नवाज की दरगाह शरीफ में जाने का। तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर सरों पर चादर और फूल लिए जा रहे हजरात जो है खड़े हैं। ये 1 नंबर जो मेन दरवाज़ा है गरीब नवाज की दरगाह शरीफ में, इधर से ज़्यारत करने के लिए अंदर जाने के लिए देख सकते हैं आप लोग, ये पूरी लाइन लगी हुई है यहाँ पे। और अभी सुबह के जो है 9:35 हो रहे हैं और 9:35 का ये मंजर है। और ये चारों तरफ जो आप लोग 1 नंबर गेट के पास में ये जगह देख रहे हैं, इस जगह को अहाताए नूर कहा जाता है। देखिए मैं आ चुकी हूँ, बिल्कुल सामने आ चुकी हूँ। और देखिए इधर से मैं बाहर की तरफ आ गई हूँ, 1 नंबर गेट से ये बाहर आने का रास्ता है। देख सकते हैं आप लोग, इधर से मैं आई हूँ और देखिए इधर से मैं आप लोगों को करीब से पूरा मंजर दिखाते हुए चल रही हूँ। देखिए यहाँ से देखिए गुंबद शरीफ का नज़ारा भी देखते चलिए आप लोग। और अभी मैं 2 नंबर गेट की तरफ चल रही हूँ और पूरी आप लोग को ज़्यारत कराऊँगी। देखिए यहीं ऊपर से मैं आप लोग को ज़्यारत करा रही थी। देखिए यहाँ से देखिए आप लोग, गुंबद शरीफ का नज़ारा जो है कितना खूबसूरत लगता है। और देखिए ये ऊपर जगह है, यहाँ पर खड़े होने से पूरा जो है दरगाह शरीफ के अंदर का जो मंजर होता है 2 नंबर गेट का 1 नंबर पूरा दिखता है। और देखिए यहाँ पर मैं करीब आ चुकी हूँ, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर जो है कव्वाली हो रही है, तो थोड़ा सा आप लोग कव्वाली भी सुनिए और पूरे मंजर को देखिए। और आगे मैं आप लोगों को शाहजहानी मस्जिद, 4 नंबर गेट, जन्नती दरवाज़ा और आप लोगों को बाहर का वजू खाना और बड़ी देग की भी ज़्यारत कराने वाली हूँ। आप लोग जो है कव्वाली सुनिए और आगे का मंजर पूरा देखिएगा, आप लोग बिल्कुल भी इन मत कीजिएगा। देख सकते हैं आप लोग, ये 2 नंबर गेट है। देखिए गुंबद शरीफ का नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है। सुबह सुबह के जुम्मे का जो मंजर है बहुत ही खूबसूरत है। और देख सकते हैं अभी आप लोग कि अभी 10:10 हो चुका है, 10:10 का ये मंजर है। अभी थोड़ी सी यहाँ पर थोड़ी देर के लिए कव्वाली जो यहाँ पर बंद हुई है, देख सकते हैं आप लोग। और अभी जो है 2 नंबर गेट की मैं आप लोग को बिल्कुल सामने से ज़्यारत कराती हूँ। इसी गेट के सामने बिल्कुल कदम बोसी होती है, ये 2 नंबर गेट है। यहाँ पर आप लोग सलाम कर लीजिए और दुआ भी कर लीजिए। इसी गेट के सामने बिल्कुल कदम बोसी होती है जो आप लोग को नज़र आ रहा है यहाँ से। और इधर से जो रास्ता ये आप लोगों को दिख रहा है, ये 3 नंबर गेट का है। ये 2 नंबर गेट के पास से मैं चल रही हूँ। ये जो आप लोग को जारीन हजरात आते हुए इधर से नज़र आ रहे हैं, ये 3 नंबर गेट के पास से आ रहे हैं। देखिए ये 2 नंबर गेट है, यहाँ पर आप लोग दुआ कर लीजिए। मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ आप लोगों के लिए। देखिए सामने जो आप लोग को दिख रहा है, यहीं पर कदम बोसी हो रही है।
और यहाँ पर जो है सामने देख सकते हैं आप लोग जैन हजरात की किस कदर भीड़ भाड़ है, देखिए आप लोग। और यहाँ से मैं थोड़ा ऊपर आई हूँ, यहाँ से थोड़ा सा नज़ारा मैं आप लोग को दिखाती हूँ, देखिए यहाँ से कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर जब मैं खड़ी होती हूँ तो यहाँ से हटने का बिल्कुल भी दिल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ से जो है ना पूरा मंजर जो है गुम्बद शरीफ का नज़ारा जो है ना बिल्कुल खूबसूरती से यहाँ से हो पाता है। देखिए यहाँ से कितना खूबसूरत लग रहा है। और आप लोग प्लीज़ ब्लॉग को मेरे एंड मत कीजिएगा, आगे मैं भी चलूँगी जहाँ बाकी है भी, पूरी मैं आप लोग को ज़्यारत भी कराऊँगी और आप लोगों को बताती हुई भी चलूँगी, तो पूरा ब्लॉग आप लोग। और देख सकते हैं आप लोग 4 नंबर गेट से गेट के पास मैं आ चुकी हूँ, यहाँ से शाहजहानी मस्जिद की भी आप लोगों को ज़्यारत कराऊँगी और यहीं पर है जन्नती दरवाज़ा जिसकी मैं आप लोगों को ज़्यारत कराऊँगी। ये देखिए ये है जन्नती दरवाज़ा जो उर्स मुबारक में 1 रजब से 6 रजब 6 दिन जो है गरीब नवाज का उर्स मुबारक जो होता है 1 से 6 रजब को ये खुलता है जन्नती दरवाज़ा, उस वक्त आप लोग इसकी ज़्यारत कर सकते हैं। और इधर में देख सकते हैं आप लोग ये बाबा फरीदुद्दीन का चिल्ला शरीफ है, अभी मैं आप लोगों को पूरे ज़्यारत कराती हूँ, बिल्कुल इंड मत कीजिएगा आप लोग, मैं बताते हुए दिखाते हुए चल रही हूँ। और ये जो दिख रहा आप लोग को ये 4 नंबर गेट है, सिर्फ इसे बाहर आते हैं अंदर नहीं जाते हैं, दरगाह शरीफ के बाहर आने का रास्ता है। और यहाँ पर जो आप लोग देख सकते हैं बीबी साहिबा की मजार शरीफ है, और इस दरवाजे से मैं बाहर की तरफ आ गई हूँ, और प्लीज़ इंड मत कीजिएगा आप लोग, देखिए कितना खूबसूरत सा नज़ारा है, चादर और फूल लोग सरों पर लेकर के जा रहे हैं गरीब नवाज के दरगाह शरीफ के अंदर। और देखिए ये वजू खाना है बाहर वाला, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर जारीन हजरात जो है वजू बना रहे हैं, और जुम्मे का खूबसूरत मुबारक दिन है आज। और आज मैं आप लोग ये देखिए ये महफिल खाना है, और यहाँ से खड़े होकर देख सकते हैं आप लोग गुम्बद शरीफ का नज़ारा भी पूरा दिखता है। और अभी मैं चल रही हूँ आप लोगों को बड़ी देग के पास में लेकर, बड़ी देग की ज़्यारत कराऊँगी जुम्मे के दिन की आप लोगों को, और वहाँ से आप लोगों को गुम्बद शरीफ का नज़ारा और थोड़ा सा तारागढ़ का जो मंजर दिखता है वो भी दिखाऊँगी। तो देख सकते हैं आप लोग बड़ी देग के पास में आ चुकी हूँ, बड़ी देग की आप लोग ज़्यारत कीजिए, जुम्मे के दिन का मंजर है ये, सुबह के जो है 10:20 हो चुके हैं, और सामने देखिए आप लोग गुम्बद शरीफ का नज़ारा देखिए, पूरा मंजर यहाँ से दिखता है अभी सुबह सुबह का वक्त है, और देखिए तारागढ़ का मंजर भी यहाँ से पूरा दिख रहा है, तारागढ़ की पहाड़ी आप लोगों को देखने के लिए मिल रही होगी। और देखिए ये बड़ी देग है, अभी इसके अंदर लंगर जो है नहीं बनता है, मैं अभी तक बनते हुए इसमें अभी नहीं देखी हूँ, छोटी देग के अंदर लंगर बनता है। और अभी इधर से मैं बाहर की तरफ चल रही हूँ, और जुम्मे का दिन है, जुम्मे का मुबारक दिन है, तो मैं इधर से भी चलूँगी बाहर, और बाहर के क्या मंजर है जारीन हजरात की, बाहर में किस कैसी भीड़ है, पूरा मंजर मैं आप लोगों को दिखाते हुए चलूँगी और बताते हुए चलूँगी। तो आप लोग जो है बिल्कुल यहीं पर इन मत कीजिए कि मैं बाहर आ चुकी हूँ, बाहर का मंजर भी आप लोग पूरा अच्छे से ज़्यारत कीजिए ताकि आप लोग पूरा माहौल जो है देख पाइए। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग सुबह का ब्लॉग देखना चाहते हैं कि रात का ब्लॉग देखना चाहते हैं, और अगर आप लोगों के देखने में कुछ कमी हो तो वो भी मुझे बताइएगा। देखिए देख सकते हैं आप लोग जुम्मे के दिन ये बाहर, देखिए आप लोग जहरी नजरात की किस कदर भीड़ भाड़ है, अंदाज़ा कर सकते हैं आप लोग, देखिए देखिए किस कदर यहाँ पर चहल पहल है, देखिए आप लोग जुम्मे का दिन है, अभी सुबह का वक्त है, 10:20 हो रहे हैं, और इस वक्त का ये मंजर है तो आप लोग सोच सकते हैं कि अभी इसके बाद में क्या मंजर होगा, बहुत ही खूबसूरत मंजर होता है जुम्मे के दिन का। और ब्लॉग को जो है मैं यहीं पर एंड करूँगी, कि देख सकते हैं आप लोग भीड़ भाड़ काफ़ी है, तो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे।